हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक बहुत ही फेमस लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टेक्निस वन। मैं इस वीडियो में आपको ऐसे 8 रीजंस बताऊंगा दैट क्यों ये लेंस लास्ट 21 इयर्स से मार्केट में मोनोफोकल लेंसेज के अंदर नंबर 1 पे आज भी है। और इस वीडियो के आखिरी में अगर आप बने रहेंगे तो मैं आपको लेटेस्ट जो इसका 8th पॉइंट है, जो इसका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, ये वो उसका लाइव डेमो भी दिखाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहली हम बात करें तो ये लेंस सभी पावर्स में अवेलेबल है जो नॉर्मली अपने को चाहिए होती है, दैट इज़ +5 से लेके +34 तक की रेंज में ये लेंस पूरी तरह से अवेलेबल है। तो आपको आपकी पावर कोई भी हो आँख की, इसके चूज़ करने में पावर कोई दिक्कत नहीं आती है। सेकंड कम्स, इसके अंदर यूवी ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज़ है जिस कारण लंबे समय में आपको जो एज रिलेटेड डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं यूवी लाइट से, वो नहीं आते हैं और आपकी नज़र अच्छी बनी रहती है। जो एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन हम एक बीमारी कहते हैं, वो होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। थर्ड कम्स, ये एक बहुत ही छोटे चीरे से, 2.2 mm के चीरे से आँख के अंदर डाला जा सकता है इसके अच्छे डिलीवरी सिस्टम के कारण। तो छोटा चीरा लगता है, जल्दी हील होता है, कम से कम चश्मे का नंबर आता है आपको। देन फोर्थ कम, इसके अंदर जो एंटीरियर सरफेस है वो अस्फेरिक है, इससे आपको बेटर कॉन्ट्रास्ट मिलता है, बेटर आपको नाइट विज़न मिलता है, कलर विज़न मिलता है। देन फिफ्थ कम्स, इसके अंदर एक डायमंड क्रायोलेथिंग टेक्निक का यूज़ करा गया है जिससे आपको मिनिमल ग्लिसनिंग होती है, चकाचौंध रात के समय गाड़ी चलाते समय बहुत कम ग्लिसनिंग होती है, तो ये आपको उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होने देता है। देन कम्स द सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज़ इसके अंदर प्रॉपरली यूवी लाइट्स के साथ ब्लू लाइट का जो है फिल्ट्रेशन नहीं रुकता है, तो इससे ब्लू लाइट जो आपकी आंखों में जाती है उससे आपको रात को अच्छी नींद आती है, आपका नाइट विज़न अच्छा रहता है, आपका सर्कैडियन रिदम अच्छा रहता है। देन कम्स द सेवन्थ पॉइंट, दैट इज़ इसके अंदर जो इसका डिज़ाइन है उसके अंदर प्रोटेक्ट 360 डिग्री स्क्वायरस डिज़ाइन का यूज़ करा गया है जिससे कि लेंस पे झिल्ली आने के चांसेस बहुत कम होते हैं और आप एक अच्छी लाइफ जी पाते हैं, आपको रिपीटेड डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है, बदल जैसा नहीं रहता है। एंड फाइनली द 8th पॉइंट जो आज हम आपको लाइव डेमो करके दिखाएंगे, दैट इज़ आज रिसेंटली ये इसी महीने में ये लेंस लॉन्च किया गया है विद सिंप्लिसिटी डिलीवरी सिस्टम के साथ। दैट इज़ जस्ट अ 3-step सिंपल प्रोसीजर जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा किस तरह से ये प्रीलोडेड लेंस में आ गया है और मिनिमल टच है जिससे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हैं। तो ये सभी पॉइंट्स मुझे लगता है आपको हेल्प करेंगे। अब मैं आपको इस लेंस का लाइव डेमो दिखाऊंगा कि किस तरह से वो लेंस जो लास्ट 21 इयर्स से आपका नंबर 1 लेंस था मोनोफोकल लेंसेज में, अब प्रीलोडेड डिलीवरी सिस्टम के साथ यूज़ करा जाएगा। तो लेट्स सी फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं इसके अंदर ये लेंस का बॉक्स है, इट्स अ डेमो यूनिट। तो अभी तक ये इंडिया में कहीं भी लॉन्च नहीं हुआ है, तो इट्स द फर्स्ट टाइम वी आर शोइंग हाउ दिस टेक्निस सिंप्लिसिटी लेंस कैसे डिलीवर करा जाता है आँख के अंदर विद सिंपल 3 steps। सो हम ये बॉक्स ओपन करेंगे और अब आपको लेंस दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, वी आर अनबॉक्सिंग दिस, ये इसका डेमो बॉक्स है जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये लेंस है आपका, ये अभी जब आपके लिए आएगा तो ये एक बॉक्स में आएगा प्रॉपरली, और ये डेमो यूनिट है तो इस तरह के हमको ब्रीफकेस में मिला है। इसके अंदर ये लेंस जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लोडेड होता है, ये इसका डिलीवरी सिस्टम है पूरा। तो इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे लेंस बाहर आता है। हम यहाँ से इसको ऐसे पुश करेंगे और ये पुश करने के बाद ये रोटेटिंग टेक्निक होती है, इससे धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो लेंस जो है, अगर आपको मैं दिखाऊं तो इस कप में आप देखिएगा
बाहर आएगा और ये इस तरह से आपकी आई के अंदर धीरे धीरे इंजेक्ट होगा. सो लेंस इज कमिंग नाउ और ये लेंस बाहर आ रहा है और इस तरह से ये आई के अंदर धीरे से खुलने के बाद अनफोल्ड हो जाएगा. ये आप देख रहे हैं, ये लेंस है जो ट्रांसपेरेंट आपको एक दिख रहा है. दिस इज द लेंस, ब्यूटीफुल लेंस, एब्सोल्युटली क्लियर मटीरियल एंड ब्यूटीफुली इम्प्लांटेड. सो आई थिंक ये आपको हेल्प करेगा अपना नया लेंस चूज करने में. आप ये देख रहे होंगे कि लेंस किस तरह से धीरे धीरे अनफोल्ड हो रहा है. थोड़ी देर में ये लेंस पूरी तरह से ओपन हो जाएगा. तो ये बहुत अच्छा टाइम देता है सर्जन को कि वो लेंस आँख में जाने के बाद प्रॉपरली अनफोल्ड हो और सडन जर्क ना हो सर्जरी के टाइम. आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्प करेगा टेक्निस नए लेंस को चूज़ करने में. हैव अ गुड डे. थैंक यू.